बिहार के वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने 2,37,691 करोड़ का बजट पेश किया है, जो पिछले साल के मुकाबले 8.88% बड़ा बजट है। पिछले साल 2,18,302 करोड़ का बजट था। सरकार ने अब तक 1,65,000 करोड़ खर्च करने का दावा किया है। बची हुई रकम मार्च के आखिर तक खर्च करने का प्रावधान है। देखना यह है कि ये रकम कब तक और कितनी खर्च होती है। 2,37,691 करोड़ का बजट है, जो कि पिछले साल से 8.88% पिछले बजट आकार से बढ़ा है। पिछली बार 2,18,302 करोड़ का था। पहले तो है 7-1 की जो सारी योजना है उसको कंप्लीट करना, और राज्य सरकार ने जो 7-2 है जो पिछले वर्ष से आरंभ हम लोगों ने की थी, जो नई सरकार गठन हुई है तो उसमें कुछ योजनाएं तो सैंक्शन हो गई थी और जो बाकी बच गई हैं उसको सैंक्शन करके उसको कार्यान्वयन करना है। हम लोग का बिल्कुल 5 साल का एजेंडा बिल्कुल फिक्स है। 7-1 का योजना का कंप्लीशन करना और 7-2 के जितनी भी योजनाएं हैं जो सरकार ने 7-2 में कमिट किया है उन सभी योजनाओं का सैंक्शन करके कार्यान्वयन करना। क्या नया कर भी लगा है क्या? नहीं, इसमें कोई नया कर नहीं, कोई सेस और कोई नया कर नहीं लगा। देखिए पिछले साल से अभी 2 महीना बाकी है और करीब हम लोग 1,65,000 करोड़ पे पहुंच गए हैं। इस अभी हम लोग को बहुत सारे लोन्स रिटर्न करने हैं, इंटरेस्ट रिटर्न करने हैं, तो अभी 31 मार्च के बाद ही हम लोग अनुमान लगा पाएंगे। लेकिन जो हम लोग की रफ्तार है बजट के आकार के अनुरूप है और हम लोग इसको पूरा कर लेंगे। कितना परसेंट खर्च किया आपने पिछले वाले से? कितना परसेंट पिछली बार का वो खर्च हुआ? अभी 20, अब तो आपको एंड ऑफ ईयर पूछना पड़ेगा ना, 20 साल पूछ रहे हैं। 20 साल 2 महीने लगभग मैं आपको बता दिया, 1,65 है 2018 में डिवाइड कर लीजिए। 1.65 जनवरी तक का है, फरवरी मार्च में जो है, अगर आप जनवरी मार्च में अगर 30-60 हजार के आसपास जोड़ लेंगे आप समझ सकते हैं हम उसमें पहुंचने की स्थिति में। और 7-2 में जो प्रावधान किए गए वो 5,000 करोड़ का है। मैं बजट आकार के आलोक में जो सबसे 5 महत्वपूर्ण विभाग है मैं वो पढ़ देता हूँ। पहला विभाग है शिक्षा विभाग, है सबसे बड़ा बजट है, 39,191 करोड़ का शिक्षा विभाग का बजट है। स्वास्थ्य विभाग का 16,134 करोड़ का स्वास्थ्य विभाग का बजट है। ग्रामीण विकास विभाग का 15,456 करोड़ का बजट है। गृह विभाग का 14,372 करोड़ का बजट है। ऊर्जा विभाग 11,475 करोड़ का बजट है। तो ये सबसे ऊपर से सबसे 5 महत्वपूर्ण विभाग है। मुख्य रूप से इस बार का बजट जो हमारे 6 प्रक्षेत्र हैं उनको उन पर आधारित है, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, कृषि, आधारभूत संरचना एवं सभी वर्गों का कल्याण। और ये 6 जो सूत्र है, ये 6 सूत्र जो 7-1 चल रहा है पूर्व के वित्तीय वर्ष से वो तो लागू है ही। आत्मनिर्भर बिहार के 7-2 में भी जिन कंपोनेंट्स को हम सबों ने लागू किया है वो एक माध्यम है। उस माध्यम के द्वारा ये 6 सूत्र पर आधारित हमारा बजट आने वाले दिनों में राज्य के जो लोग हैं, राज्य के विकास में, राज्य के लोगों के हित के लिए वो उस पर आधारित होगा। और कोरोना संक्रमण के कारण जो परिस्थितियां बनी वो आप सबसे छिपी नहीं है, उसके बावजूद भी आपने आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से देखा होगा कि किस प्रकार से हम अपने विकास दर को बनाए रखने का एक सफल प्रयास किया है। और वह प्रयास बिहार के जो मेहनतकश लोग हैं, बिहार की जो एक बड़ी आबादी जो कृषि के क्षेत्र में है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, कृषि, पशुपालन और हमारा जो लोक व्यवस्था का जो लोक व्यवस्था उसको भी हम सब ने काफी बेहतर किया, उसके कारण ये इतने अच्छे परिणाम आए हैं। और उन परिणामों के आधार पर हम सबों ने
बिहार के विकास का बजट आज पेश किया है। जो कार्य रह गए हैं वो सब इस पूरे वित्तीय वर्ष में भी पूरा करने का हम सब प्रयास कर रहे हैं, और आने वाला जो हमारा वित्तीय वर्ष है बिहार के बेहतर विकास का वो बजट हमने आज पेश किया है। और जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण धीरे धीरे समाप्त हुआ है, एक बड़ी उम्मीद जगी है कि बिहार के लोगों ने विपरीत परिस्थिति में भी अपने संसाधन से बिहार के का जो विकास दर है उसको बनाए रखने को अपनी भूमिका अदा की है, तो हम उसी को विस्तारित करते हुए आने वाले दिनों में बिहार के प्रस्तावित बजट को ध्यान में रखते हुए जो हमारा 6 सूत्र है उसको हम सब उस पर फोकस करेंगे, उसे लागू करेंगे आत्मनिर्भर बिहार के साथ इस सेतु के द्वारा। यही आज के बजट का मौलिक रूप से यही उसी पर हमारा आधारित है।